नमस्कार साथियों, मैं कुमार मंगलम आज आप लोगों के साथ भक्ति काल के दो कवि परमानंद दास और कुंभन दास की कविताओं पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं परमानंद दास और कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं, और अष्टछाप जो है वो इन दो व्यक्तियों का बनाया हुआ है, वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ। ये दो गुरु थे और इनके ही चार चार शिष्य थे, और इन चार शिष्यों ने मिलकर के कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप एक पंथ का निर्माण होता है। और इनके ये कवि हैं परमानंद दास और कुंभन दास। परमानंद दास का समय 1493 ईस्वी से 1583 ईस्वी ज्ञात होता है, कुंभन दास का 1448 से 1582। ये दोनों समकालीन हैं, और इन दोनों कवियों ने कृष्ण भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी हैं। अष्टछाप जो था उसका मूल उद्देश्य जो था वो क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति में जो वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ थे इन लोगों ने स्थापित किया थे, ये दोनों आचार्य थे, इन लोगों ने इनके साथ आपको अष्टछाप के कवियों में चतुर्भुज दास, नंददास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद दास और छीत स्वामी, ये आठ कवि थे जो अलग अलग समय पे कृष्ण भक्ति के पद को गाते थे और कृष्ण की भक्ति करते थे। तो अभी हम लोग जिस कवि की कविता पर बातचीत करेंगे वो कवि है परमानंद दास। परमानंद दास जो थे अष्टछाप के कवि थे, बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कृष्ण भक्ति काव्य में जो कृष्ण से संबंधित लोक है उस लोक की सामिप्यता और कृष्ण से सायुज्यता काफी प्रमुख मानी जाती है। यानी कि आप देखें कृष्ण भक्ति परंपरा के जितने भी कवि हैं वह वृंदावन को अपना आदर्श मानते हैं, उनके लिए जो भक्तिकालीन यूटोपियाई समाज है, भक्ति जो एक यूटोपिया रचता है अपने समाज के यथार्थ से, एक जो परे जहाँ पे सब समानता का अधिकार है, जहाँ पे उनके ईश्वर से एक सामीप्य का संबंध है, जहाँ पे ईश्वर और भक्त दोनों एक साथ एक रूप में विद्यमान है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों के लिए वह स्थान वृंदावन है। और इस वृंदावन को पाने के लिए आठहू निधि और सारी सिद्धियां, जो नौ जो सिद्धियां हैं और निधियां हैं उन सबको लोग न्यौछावर कर देते हैं, यहाँ तक कि अपने मोक्ष की कल्पना भी वृंदावन के लिए वह निक्षावर कर सकते हैं। आप सूरदास के पदों को देखिए, खास करके भ्रमर गीत सार को, तो बहुत स्पष्ट तरीके से इस चीज को समझा जा सकता है। तो कृष्ण अष्टछाप के कवि जो थे वो जो हमारा आठों पहर है, जो 24 घंटे के समय का आठों पहर है, उस आठों पहर में एक एक पहर में एक एक कवि आता था और कृष्ण की भक्ति में कृष्ण से के जीवन से संबंधित पदों को गाता था। उसके प्रमुख कवि सूरदास थे। विट्ठलनाथ ने कहा था जब सूरदास की मृत्यु हुई थी कि अष्टछाप के जहाज जात हो, जो कुछ लेना हो सो लो ले। तो ऐसे में अलग अलग ये आठ कवि जिनके बारे में मैंने अभी बताया वे कृष्ण भक्ति की कविताओं को रचते थे, गाते थे, उसको संगीतबद्ध करते थे और इस तरह से वो कृष्ण की भक्ति किया करते थे। परमानंद दास की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाए, जहां नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मोरी जाय बलाय। इस पद को समझिए, भक्त की जो इच्छा है वो यह है कि बैकुंठ जाकर के मैं क्या करूंगा, वहां पे कृष्ण नहीं है। ठीक है, कृष्ण जिसके स्वरूप हैं वो श्री हरि विष्णु वो वहां तो हैं, लेकिन हमें तो प्रेम श्री कृष्ण से है। भक्त और भक्ति की यह अनन्यता, प्रभु और भक्त के बीच की के बीच कोई अद्वैत नहीं, कोई दूसरा भाव नहीं, जिस रूप में
हम चाहते हैं श्री कृष्ण को उस रूप में, श्री कृष्ण तो इसी वृंदावन में मौजूद हैं, और वृंदावन को छोड़ करके वैकुंठ जाकर के क्या करना, वहां तो श्री हरि विष्णु मिलेंगे, वहां मोक्ष मिलेगा, लेकिन हमें तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को, श्री कृष्ण की लीलाओं को देखना है, श्री कृष्ण के साथ रहना है, उनके सामीप्य में, उनके समीप रहना है, उनके साथ एकाकार हो जाना है, उनके खेल में एक सार हो जाना है, एक भाव हो जाना है। अतः परमानंद दास जैसे भक्तों की इच्छा यह है कि उन्हें वैकुंठ न मिले, उन्हें मिले तो वृंदावन मिले। कौन सा वृंदावन? जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल नगाए। वह वैकुंठ जहां पे नंद नहीं है, नंद राय नहीं है, जसोदा जी नहीं है, जहां गोपियां नहीं है, ग्वाले नहीं है, गाय नहीं है, उस वैकुंठ में परमानंद दास का कोई काम नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण के जो सर्वाधिक प्रिय हैं वो कौन है? नंद है, यशोदा मैया है, गोपी है, ग्वाल है, गाय है। जहां नहीं जल यमुना को निर्मल, यह तब का वक्त है जब यमुना का जल निर्मल हुआ करता था, आज की तरह कालिंदी काली नहीं थी, इतनी प्रदूषित नहीं थी। तब यमुना, देखिए कविता क्या करती है, कविता कई बार अपने समय के इतिहास को, अपने समय के संकेतों को कविता में जिस तरीके से दर्ज, ये भक्ति की कविता है, लेकिन इस भक्ति की कविता में आप उस समय के यमुना की पारिस्थितिकी को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं सिर्फ एक पंक्ति से। जहां नहीं जल यमुना को निर्मल, वैकुंठ में यमुना नहीं है, यमुना इस धरती पर है, इस वृंदावन में है, और यमुना कैसी है? निर्मल है, आज की तरह काली कालिंदी, प्रदूषित कालिंदी नहीं। तो कविता अपने समय में एक समानांतर इतिहास भी रचती चलती है। यह भक्ति की कविता है, लेकिन यमुना की पारिस्थितिकी के संकेतों को दर्ज करती हुई कविता है, यह पाठांतर है। लेकिन और नहीं कदमन की छाया, और कदम की छाया भी नहीं है, ऐसे वैकुंठ में जाकर के हमें क्या करना है? क्योंकि श्री कृष्ण तो इन्हीं में मुग्ध हैं, इन्हीं लोगों के साथ हैं, और हम भी इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तजि मोरि जाय बलाय। परमानंद दास कहते हैं कि हम ग्वालिने बहुत चतुर हैं, मेरी बला से इसको त्याग करके हम अवैकुंठ नहीं जा सकते, हमें तो यही रहना है। तो यह परमानंद दास की कविता जो कृष्ण भक्ति में कृष्ण की सामिप्यता को लेकर के रची गई है, जो कि वैकुंठ को भी वृंदावन में, कृष्ण के सम्मुख वैकुंठ को भी त्याग देने की बात करती है। आप याद कीजिए सूरदास का वह पद, फाटक मांगे, जब आयो घोष बड़ो व्यापारी, जब उद्धव दास आए हैं निर्गुण ज्ञान की बातें करते हैं, तो गोपियां कहती हैं कि तुम ये फटकन दे करके हमसे हमारे भक्ति का सोना मांग रहे हो। तो जो कृष्ण के भक्त हैं वह कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, और उनके लिए, उन्हें वैकुंठ भी प्यारा नहीं है, प्यारा है तो वह कृष्ण का साथ, वह मिट्टी जिसमें कृष्ण खेले हैं, वह करील के कुंज जिसमें श्री कृष्ण घूमते हैं, वो गैया जिनके जिनकी कृष्ण सेवाएं करते हैं। तो यह जो सामिप्यता है, आप रसखान को याद कर सकते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ने जो गोकुल नंद के द्वारा। तो यह जो सामिप्यता है अपने आराध्य के प्रति, यह कृष्ण भक्ति में हमें दिखता है। कुंभन दास भी अष्टछाप के कवि थे, और इनके समकालीन अकबर थे, और एक बहुत ठेस की तरह कुंभनदास को जीवन भर यह बात सालती रही। कुंभनदास भी अष्टछाप के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, और कम बातचीत होती है, और इनके इनकी कोई उस तरीके से पुस्तक नहीं मिलती है, फुटकल पद मिलते हैं, और एक ठेस की तरह आती है कुंभनदास के जीवन में, जब अकबर ने कुंभनदास को बुलाया था और कुंभनदास ने मना कर दिया था। यह देखिए कवि की स्वायत्तता कितनी बड़ी होती है कि वह सत्ता के सम्मुख भी नहीं झुकता। कुंभनदास ने एक पद लिखा, संतन को कहा सी करी सुकाम,
आवत जात पनहिया टूटी विसरी गयो हरिनाम। जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करिनो परी प्रणाम। सलाम कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम। कुंभन दास कहते हैं कि संतों को सीकरी से क्या काम। सीकरी उस समय की तत्कालीन राजधानी है। तो संतन को, जो संत हैं, जो कवि मन हैं, जो भक्त हैं, उन्हें सत्ता से, सत्ता की राजधानी से क्या काम। आवत जात पनहिया टूटी विसरी गयो हरि नाम। आने और जाने में अगर ऐसा होगा तो राम नाम को तो भूलेंगे ही, पनही यानी चप्पल जूता भी जो है वह टूट जाएगा, यानी मानसिक नुकसान तो है ही, शारीरिक नुकसान भी है। अगर सत्ता के समीप भक्त रहे, कवि रहे तो उसके बाद जिनको मुख देखे दुख उपजत, और जिनको देखे से दुख होता है उनको भी प्रणाम करना पड़ता है। अगर आप सत्ता की, शक्ति की इच्छा रखते हैं, उनके समीप जाते हैं। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकार। कुंभन दास ऐसे भक्त हैं कि वो कहते हैं कि गिरधर लाल के बिना बाकी सारे काम बेकाम हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, यह पद जो है अपने आप में भक्ति का परक होते हुए भी राजनैतिक पद है, अपने समय की व्याख्या करता हुआ पद है, और कविता अथवा भक्त के सत्ता से संबंध को भी व्याख्यायित करने वाला पद है। ऐसे कृष्ण भक्ति शाखा के दो कवि परमानंद दास और कुंभन दास की एक एक कविताओं के साथ आज मैंने आप लोगों से बातचीत की। अगली कक्षा में हम फिर किसी एक कवि की कविता की व्याख्या के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।